गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक एनालिटिक फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। देखिए, कल के लेक्चर में अपन बात कर रहे थे इस क्वेश्चन पर कि ये फंक्शन आपके पास में ई टू दी पावर माइनस जेड की पावर माइनस फोर था, वो कोशी रीमान समीकरण को तो मूल बिंदु पर सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन वो विश्लेषिक नहीं था मूल बिंदु पर। तो अपन ने एक पार्ट इसका कल किया था कि वो कोशी रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करता है, और एक मैंने कहा था कि आपको सॉल्व करना है या फिर मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। तो पहले देखिए, एक बार इसका अपन समझ लेते हैं कि ये एनालिटिक नहीं है मूल बिंदु पर। अपन जानते हैं ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन होती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत कर चुके हैं। अब यहाँ पर e to the power minus 1 upon z की पावर माइनस फोर है, तो मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके आ गया और इसको x और y में कन्वर्ट कर दिया। ठीक बात। अब अपन कर रहे हैं क्योंकि यदि सीधी लिमिट पुट करते हैं तो वो 0/0 की फॉर्म बन रही है, इसलिए मैं कोई भी एक पथ ले रहा हूँ y बराबर x के अनुदिश है, वो z टेंड्स टू 0 कर रहा है, अर्थात z 0 की ओर अग्रसर हो रहा है y बराबर x लाइन के अकॉर्डिंग। तो उस केस में लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि y का मान x के बराबर आ गया। अब देखिए, x प्लस आयोटा y, तो x प्लस आयोटा x e टू दी पावर y की जगह x। अब मैंने इसका एक्सपांशन यहां किया है x प्लस आयोटा x की पावर 4, तो सबसे पहले x 4 प्लस 4c1 ये आ गया, माइनस आपके पास में 6, और फिर ये और फिर ये टर्म आएगा, ये मैंने आपके पास में आगे पीछे लिख लिया है। अब अपन देखिए, ये और ये जुड़ के 2x4, ये आपस में आपके पास में देखिए एक दूसरे से कैंसिल आउट, और ये हो गया आयोटा स्क्वायर माइनस, तो ये 6x2, तो ये हो गया माइनस 4x की पावर 4। अब ये माइनस 4x की पावर 4 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, e की पावर 1 अपॉन 4x4, और e की पावर x मैंने यह सीरीज एक्सपांशन कर दिया है, वो होता है 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन 2x2। अब देखिए, 1 अपॉन x बाहर है, मैंने यहां से 1 प्लस आयोटा बाहर ले लिया, यहां x इसमें से कॉमन लूंगा तो 1 प्लस आयोटा। अब देखिए, मैं x का मल्टीप्लाई करता हूं, ये 1 अपॉन x, ये 1 अपॉन 4x की पावर 5, अर्थात मैं जब भी लिमिट x टेंड टू 0 करूंगा तो 1 अपॉन 0 अर्थात क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, जो कि परिभाषित ही नहीं है। तो अब अपन जानते हैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन कि यदि किसी रीजन के अंतर्गत z के प्रत्येक मान के लिए फंक्शन परिभाषित ही नहीं है तो वो किसी भी केस में एनालिटिक नहीं होगा। तो यहाँ क्या आ रहा है, इनफाइनाइट, अर्थात f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान ही नहीं है, तो अपन कहेंगे कि वो एनालिटिक नहीं है। तो ये तो था अपना कल का पोर्शन जो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है, जिसने सॉल्व नहीं किया है वो यहाँ से उतार लीजिए। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो कि आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। अब देखिए, उसमें भी यही कहानी है, ये अपन लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, इसके बाद मैं नए टॉपिक को स्टार्ट करूंगा पावर सीरीज। अब देखिए, अपन बात करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को, फंक्शन दे रखा है जेड इक्वल टू नॉट पर ये वैल्यू है और जीरो पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, जीरो। अपन को तीन पार्ट में करना है, एक तो बताना है कि एफ ऑफ जेड है वो कंटिन्यूस है, एक कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात ये विश्लेषिक नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, अपन दो पार्ट हमेशा करते आ रहे हैं और तीसरा एक एक्स्ट्रा है जो कि आप पहले अपन कई क्वेश्चन में किया हुआ है, तो मैं फटाफट इनको आप सॉल्यूशन बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले अपन f ऑफ z लिखा हुआ है, f ऑफ z बराबर लिखा हुआ है x क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस y क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं u और v को अलग करूंगा क्योंकि मुझे कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है। तो अब देखिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा, और इसमें से आयोटा कॉमन लूंगा, यहां रहेगा एक्स क्यूब और ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये रहेगा वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक बात। तो हेयर आपके पास में u का मान क्या आ गया, x क्यूब माइनस y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड v का मान आपके पास में आ गया x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक बात। अब मैं कोशी रीमान इक्वेशन को पहले सेटिस्फाई करवाता हूं,
तो देखिए मुझे किस पर आपके पास में सेटिस्फाई करवाना है, ये भी आपके पास में ध्यान रहना, अपन को मूल बिंदु पर ही सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है, या लिख लेना आपके पास में एट ओरिजिन, ठीक है। तो मूल बिंदु पर आपके पास में यदि अपन बात करने जाए तो डेल यू अपॉन जो डेल एक्स होगा वो क्या होता है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो u ऑफ x कॉमा जीरो माइनस u ऑफ जीरो कॉमा जीरो अपॉन x माइनस जीरो, या सीधा x लिख सकते हो, ये मैंने आपको कल भी बताया था और लास्ट के लेक्चर में भी फॉर्मूला बता चुका हूँ कि मूल बिंदु पर अपन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन कोसी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई इस प्रकार करवाएंगे, और यदि अपन को एवरीवेयर चेक करना है तो अपन सीधा इसका डिफरेंशिएट करेंगे और बराबर लेके आएंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे करना है तो दो तरीके, या तो इसका डिफरेंशिएट करो और वो वैल्यू उसमें पुट कर दो तो भी बात वही है, और नहीं तो आपके पास में इस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपके पास में, देखिए मूल बिंदु पर आपके पास में कोसी रीमान इक्वेशन को अपन को सेटिस्फाई करवाना है। अब मेरी बात सुनिए, ये क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो, ये मैं कल कहानी बता चुका हूं इसकी क्या कहानी है, क्या कंसेप्ट है। अब देखिए u ऑफ x कॉमा जीरो, तो ये u ऑफ x कॉमा y है, इसमें y का मान जीरो पुट कर दूंगा तो ये जीरो ये जीरो, ये क्या रहेगा आपके पास में x क्यूब अपॉन x स्क्वायर अपॉन x, और ये u ऑफ जीरो कॉमा जीरो, जब मैं x टेंड्स टू जीरो और y टेंड्स टू जीरो करूंगा तो ये वैल्यू जीरो आएगी, जो कि मैं f ऑफ z डिस्कंटीन्यूअस में और आपको बता दूंगा। तो यहां से आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ गई। इसी प्रकार अपन डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं तो डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा लिमिट ऑफ वाई टेंड्स टू जीरो यू ऑफ जीरो कॉमा वाई माइनस यू ऑफ जीरो कॉमा जीरो अपॉन, ये आ गया वाई, ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, लिमिट ऑफ वाई टेंड्स टू जीरो यू ऑफ जीरो कॉमा वाई, इसमें मैं एक्स का मान जीरो पुट करूंगा तो क्या होगा, माइनस का वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर और अपॉन वाई, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी माइनस का वाई। अब मैं निकालता हूं डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो वी ऑफ एक्स कॉमा जीरो माइनस वी ऑफ जीरो कॉमा जीरो अपॉन एक्स, ठीक बात। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो v of x comma 0, अर्थात v में मैं y 0 रखूंगा तो क्या आएगा, x cube upon x square upon x, तो ये वैल्यू आपके पास में आ गई 1। और इसी प्रकार मैं यहाँ del v upon del y निकालूंगा वो आपके पास में आएगा limit of y tends to 0 v of 0 comma y minus v of 0 comma 0 upon of y, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा limit of y tends to 0, और ये आपके पास में देखिए इसमें अपन x और x 0, तो ये हो गया y क्यूब अपॉन y स्क्वायर अपॉन y बराबर 1। देयरफॉर अपन कह सकते हैं कि जो डेल u अपॉन डेल x है उसकी वैल्यू डेल v अपॉन डेल y के बराबर आ गई, ठीक है, क्योंकि डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू 1 एंड डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू है वो माइनस के डेल v अपॉन डेल x के, हेंस अपन कह सकते हैं कि कोसी रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, ठीक बात। पहला केस तो अपने पास में हो गया, यहां से मैं प्रथम केस इसका ले रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड केस की, तो सेकंड केस में अपन को पता है, मैं सीधा डेफिनेशन आपको पहले बता चुका हूं, इसकी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, पहले ही बता देता हूं आपको एग्जाम में सीधे ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है। मैंने आपके कल के लेक्चर में और उससे पहले लेक्चर में जो थ्योरी लिखवाई है वो थ्योरी आपको एज इट इज लिखनी है, ठीक है। तो यहां मैं डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, एट द पर्टिकुलर पॉइंट जेड नॉट, जहां पर जेड नॉट क्या है, जीरो है, इसलिए एफ डैश जीरो क्या होगा आपके पास में, लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन जेड, ये मैं आपको कम से कम 15-20 बार बता चुका हूं कहां से आता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अपन क्या करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू जीरो रख रहे हैं, f ऑफ z आपके पास में क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास में, तो अपन देख लेते हैं यहां पे x क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस y क्यूब, और ये हो गया 1 माइनस आयोटा अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक बात। और जब मैं f ऑफ जीरो करूंगा तो f ऑफ जीरो का मान क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है,
तो ये जीरो अपॉन जेड, जेड की जगह क्या आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, और चाहो तो इसमें पूरा एक्स और वाई में कन्वर्ट हो गया, इसलिए अपन जीरो जेड को लिख सकते हैं एक्स टेंस टू जीरो और वाई टेंस टू जीरो। अब देखिए मैं इसकी सीधी लिमिट पुट करता हूं तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है जो कि आपके पास में अनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको भी किसी एक पथ के अनुदिश ले लेता हूँ और बता देता हूँ, क्योंकि अपन को डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब अपन को ये प्रूव करना है कि ये आपके पास में अवकलनीय नहीं है, अर्थात डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यदि अपन को एग्जिस्ट करने को कहता तो अपन सीधा चेक करते, अपन को कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अपन एक कोई ऐसा पथ लेते हैं जिस पर ये वैल्यू आपके पास या तो इनफाइनाइट चली जाए, और यदि इनफाइनाइट नहीं आती है तो दो पथ लेंगे और दोनों के अनुसार वैल्यू अलग अलग आनी जरूरी है। तो अपन कहेंगे जो f डैश जीरो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। अब मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं, माना y बराबर mx के अनुदिश z टेंस टू जीरो जा रहा है। मैंने अभी लैंग्वेज लिखी थी, माना सर्वे का y बराबर mx के अनुदिश है वो z शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उस केस में जो f डैश जीरो का मान आएगा वो क्या आएगा, देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो, यहां पर मैं लिखूंगा x क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस m क्यूब x क्यूब, और यहां पर आ जाएगा देखिए आपके पास में 1 माइनस आयोटा अपॉन, यहां पर आ गया x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर, और ये हो गया x प्लस आयोटा mx, जहां पर y था उसकी जगह मैंने mx रख लिया। अब मेरी बात सुनिए, यहां से x क्यूब कॉमन आ रहा है, यहां से x आ रहा है, यहां x स्क्वायर आ रहा है, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू जीरो, ऊपर आ रहा है x क्यूब कॉमन, तो यहां बस गया 1 प्लस आयोटा माइनस m क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन, नीचे आपके पास में x क्यूब कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस m स्क्वायर इंटू 1 प्लस m आयोटा, ठीक है, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट। अब मेरी बात सुनिए, यदि लिमिट x टेंड टू अपन जीरो करते हैं तो x का टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन m क्या है, y बराबर mx, m स्लोप है, जैसे जैसे रेखा का ढाल चेंज होगा वैसे वैसे आपके पास में m का मान चेंज होगा, और जैसे जैसे m का मान चेंज होगा तो इस f डैश जीरो का मान अलग अलग आएगा, अर्थात f डैश जीरो का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, m पर कर रहा है जो कि नॉन जीरो क्वांटिटी है, और m के मान कितने भी हो सकते हैं, तो m का मान जैसे जैसे चेंज होगा f डैश जीरो का मान क्या होगा, अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं आपके लिए, देखिए अपन यहां इसको डिस्कस करते हैं, मैं लिख लेता हूं कि सिंस f डैश जीरो का मान m पर निर्भर कर रहा है जो कि m के मान परिवर्तित होने पर f डैश जीरो भी परिवर्तित होगा, अतः f डैश जीरो है वो क्या है, यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है, और यदि आपके पास में f डैश जेड अद्वितीय नहीं है तो वो आपके पास में क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा, अर्थात f डैश जीरो, हैंस अपन कह सकते हैं कि f डैश जीरो है वो डज नॉट एग्जिस्ट या आपके पास में विद्यमान नहीं है, यहां लिख सकते हो आपके पास में f डैश जीरो है विद्यमान नहीं है। तो ये तो था आपके पास में देखिए सेकेंड पार्ट। अब मैं बात करता हूं थर्ड पार्ट की, तो देखिए थर्ड पार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, कंटिन्यूस जब भी आता है तो अपन को पता है, अपन 11th क्लास में लिमिट में भी पढ़ते थे और कंटिन्यूटी में पढ़ते थे 12th क्लास में, कि यदि आपके पास में कोई भी फंक्शन वास्तविक वेरिएबल एक्स और वाई का फलन होता है, अर्थात एलजेब्रिक कोई भी फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, वाई बराबर एक्स है, वाई बराबर एक्स क्यूब है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं आपके पास में देखिए थर्ड पार्ट, ठीक है, सिंस u बराबर आपके पास में लिखा हुआ है x क्यूब माइनस y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड v बराबर लिखा हुआ है x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो अपन लिख लेते हैं क्योंकि जब z इज नॉट इक्वल टू जीरो तब u व v वास्तविक
x एंड y के परिमेय फलन हैं। परिमेय का मतलब क्या है, u अपॉन v के रूप में लिखा हुआ है p अपॉन q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, तब u और v वास्तविक चर x और y के परिमेय फलन हैं। अतः u व v मूल बिंदु के अलावा सर्वत्र कंटिन्यूअस है। अब मैंने मूल बिंदु के अलावा क्यों लिखा है आपको पता है, क्योंकि ये जो u और v की वैल्यू कब है, जब z इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये बात ध्यान रखना। यदि आपने मूल बिंदु के अलावा नहीं लिखा और सीधा लिख लिया, हालांकि मूल बिंदु पर भी वो कंटिन्यूअस है, लेकिन आपको लाइन लिखोगे तो एग्जाम में वो पता चलेगा कि बच्चे के जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, क्योंकि जो आपके पास में ये u और v का मान सिर्फ और सिर्फ z इज नॉट इक्वल टू 0 पर ही है। और मूल बिंदु पर यदि अपन सेट करते हैं, मूल बिंदु पर, तो मूल बिंदु पर अपन को पता है कि f ऑफ 0 का मान क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। और मैं यदि आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0 कर रहा हूं और u का मान निकाल रहा हूं x और y, तो वो भी 0 आएगा। एंड लिमिट ऑफ x tends to 0, y tends to 0, v of x, y बराबर 0, ये भी 0 आएगा, ये भी 0। तो आपके पास में देखिए दोनों मान जब इक्वल आ जाते हैं, f dash 0 का मान आपके पास में है उसके बराबर आ जाता है। तो अपन ने कहा था कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अपन ने देखी थी कि आपके पास में कोई भी f of x फंक्शन है, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि वो आपके पास में f of z नॉट है, वो आपके पास में लिमिट z टेंड्स टू z नॉट पर f ऑफ z के बराबर आएगा, तो वो आपके पास में क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो अपन ने देखा है कि आपके पास में f ऑफ 0 पर वो वैल्यू वही आ रही है, और इस पॉइंट पर मूल बिंदु पर मैं यदि लिमिट पुट कर रहा हूं तो भी आपके पास में u और v की वैल्यू 0 आ रही है। अर्थात हेंस अतः फलन f ऑफ z, फलन f ऑफ z संतत है या कंटिन्यूअस है प्रत्येक बिंदु पर। यहां पर यह भी लिख लेना कि आपके पास में ओरिजिन पर भी क्या है, आपके पास में कंटिन्यूअस है। तो ये था आज का अपना लेक्चर। कल के लेक्चर में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एनालिटिक फंक्शन के ऊपर यूनिवर्सिटी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो एक एक क्वेश्चन डिस्कस करवा चुका हूं। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो भी अपना नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस में होगा उसको लेकर अपन बात करेंगे।